और गॉड कितनी जोर से हवा चल रही है। मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था एंड इस टाइम पे मेरे बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल है क्योंकि मैं जब भी हेयर वॉश करने वाली होती हूँ मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा ऑयल लगा लेती हूँ। एंड हर किसी को अगर वो रोज़ ऑयल नहीं लगा रहा है तो उसे एटलीस्ट बाल धोने के वन नाइट पहले अपने बालों में ऑयल लगाना ज़रूरी है। सो मैं जब भी हेयर वॉश करने वाली होती हूँ उससे एक दिन पहले अपने बालों में ऑयलिंग कर लेती हूँ, और इसलिए कल रात को मैंने अपने बालों में बहुत सारा ऑयल लगाया था। सो या गाइस, मैं आपसे हेयर वॉश करके मिलती हूँ। सो गाइस, नहाने से पहले जो मुझे मेन काम करना है वो है ये बर्तन, जो कि जो आंटी बर्तन करने आते हैं वो अभी आ नहीं रहे हैं। सो फटाफट से मैं ये बर्तन कर लेती हूँ, देन इसके बाद नहाती हूँ। जाते हैं नहाने। सो गाइज, मैंने नहा लिया है एंड मैं फ्रेश हो चुकी हूँ। सो है, ओ गॉड कितनी ज़्यादा बारिश हो रही है यार। गाइज बहुत ज़्यादा बाहर बारिश हो रही है। एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल, इट्स मी पायल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आज है सावन सोमवार एंड सावन सोमवार का आज है फर्स्ट मंडे। एंड गाइस, यहां पर मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर देना चाहूँगी। सावन जो स्टार्ट होता है ना वो हर स्टेट में अलग अलग टाइमिंग पे स्टार्ट होता है। टाइमिंग इन केस अलग अलग टाइम, मतलब अलग अलग डेज रहते हैं उसके। महाराष्ट्र में सावन 15 दिन बाद से स्टार्ट होगा, बट एमपी में आज से सावन स्टार्ट हो रहा है। आज सावन का फर्स्ट सोमवार है। सो या आज हमारा सबका घर में फास्ट है। सो मैंने सोचा क्यों ना मैं एक छोटा सा व्लॉग शेयर करूँ आपके साथ। एंड गाइज, मेरे चैनल पे काफ़ी टाइम से कोई भी व्लॉग वीडियोस वगैरह नहीं आ रहे थे, आपने देखा होगा। काफ़ी टाइम हो गया है, 2 महीने के ऊपर हो चुके हैं। 2 महीने पहले मैंने सिर्फ 2 व्लॉग डाले थे, वो भी एक था मेरा बर्थडे व्लॉग एंड एक था उज्जैन टू पुणे वाला व्लॉग। एंड गाइज, अगर आपने वो नहीं देखे तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप देख लेना। एंड गाइज, वो मैं जब उज्जैन से पुणे गई थी मेरी दादी के घर, मैंने आपको उस टाइम पे कहा था जा रही हूँ एंड काफ़ी कुछ आपसे शेयर करना था, काफ़ी शादियाँ वगैरह मुझे अटेंड करनी थी, बहुत कुछ प्लान कर रखा था। मेरी किस्मत यार कुछ भी नहीं हुआ। जो भी कुछ प्लान कर रखा था एंड जो भी कुछ सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ, बिकॉज करोना ने हमें जीने ही नहीं दिया। सो गाइज, मैं कुछ भी ब्लॉग वगैरह शूट नहीं कर पाई एंड उसके बाद भी काफ़ी प्रॉब्लम एंड काफ़ी इशू घर में स्टार्ट होने लग गए थे। सो मैं कुछ भी नहीं कर पाई एंड कुछ भी नहीं हुआ, फिर मैंने बंद कर दिया। मैंने कहा नहीं यार, मैं वीडियो वगैरह कुछ शूट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं उज्जैन गई थी। उज्जैन जाने के बाद काफ़ी प्लानिंग थी मेरी वीडियोज़ वगैरह की, बट वहाँ पर टाइम नहीं मिला। दैन उसके बाद लॉकडाउन लग गया और फिर मेरे पापा को भी कोरोना हो गया था एंड सिचुएशन बहुत ज़्यादा ऐसी हो गई थी, मतलब सिचुएशन हाथ में नहीं थी एंड बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम वगैरह फेस करनी पड़ी। सो मैंने वीडियोस वगैरह एंड कुछ भी शूट नहीं किया, बट भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, नॉर्मल है, हर चीज़ नॉर्मल है। अभी कोरोना के केस भी काफ़ी नॉर्मल हो चुके हैं एंड काफ़ी सारी चीज़ें नॉर्मल हो गई हैं एंड यहाँ पर भी पापा की हेल्थ वगैरह सब ठीक है। तो मैंने कहा नहीं यार, अब मुझे वापस वगैरह शूट करना है, वीडियोस बनाना है, बट हो ही नहीं रहा था। वो जब भी सोचती थी कुछ ना कुछ रीज़न एंड इशू फिर आ जाते थे, फिर दिल से भी अंदर से भी मन नहीं करता था कि मैं शूट करूं।
बट सावन से अच्छा एंड इससे अच्छा पाक महीना कोई हो ही नहीं सकता है वापस स्टार्ट करने के लिए वीडियो वगैरह एंड ब्लॉगिंग वगैरह। सो या गाइस, मैंने आज का दिन चूज़ किया मेरे फर्स्ट ब्लॉग के लिए एंड मुझे मेरा मन भी वैसे नहीं था करने का, बिकॉज मुझे पूजा वगैरह कुछ करनी नहीं थी, दैट्स बिकॉज पीरियड्स। एंड गाइज, जो नेक्स्ट वीक होगा मैं उसका काफ़ी अच्छे से ब्लॉग शूट करूँगी, सब पूजा वगैरह करके एंड होगा तो मंदिर वगैरह भी जाऊँगी। बट मुझे फर्स्ट सोमवार का भी आपसे ब्लॉग शूट करना था एंड आपसे शेयर करना था बहुत सारी चीज़ें जो हुई थी एंड मैं नहीं कर पाई थी। सो गाइज, अभी बारिश हो रही है एंड बारिश जस्ट रुकी है एंड बारिश रुकने के बाद ना जो मौसम होता है ना वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। सो टेरेस पे चलते हैं। सो गाइज, अभी ना बारिश हो रही थी एंड बारिश जस्ट अभी रुकी है एंड काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम। एंड गाइज, मुझे ना ऊपर आके थोड़ी देर बैठना एंड धूप में अच्छा लगता है, जब बारिश होती है ना और बारिश के बाद जो मीठी मीठी सी धूप आती है ना वो काफ़ी अच्छी लगती है, क्योंकि सूरज चाचू, सॉरी चंदा नहीं, चंदा मामा होता है तो सूरज चाचू ही हुए। और ये जो भी कुछ है, और गॉड कितनी जोर से हवा चल रही है बाहर। सो गाइस, यहाँ पर मम्मी ना भोलेनाथ जी को स्थापित कर रहे हैं एंड उनकी पूजा करेंगे। गाइस, ये रही मेरी साबूदाने की खिचड़ी एंड आई लव साबूदाने की खिचड़ी, मुझे इतनी पसंद है ना, अगर मेरा फास्ट नहीं भी होना तो भी मुझे पसंद है साबूदाने की खिचड़ी खाना, बहुत 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 फेवरेट है मेरी। सो या, मैं अपनी साबूदाने की खिचड़ी अच्छे से इंजॉय करती हूँ। वैसे आज नहीं ले पाया कुछ। ओके, फैन ऑन है, फैन का साउंड आएगा, सो मैं पहले फैन ऑफ कर देती हूँ। साबूदाने में ना थोड़ा सा नमक कम है, सो माई नमक, और नमक कौन सा यूज़ करते हैं, सेंधिया नमक या फिर काला नमक। ओके, एंड अभी हो रही है 12:30 एंड फास्ट में आप फ्रूट्स, दही वगैरह, साबूदाने, जो जो फास्ट की चीज़ें हैं वो खा सकते हो। एंड बहुत से लोग अपने अपने अकॉर्डिंग फास्ट रखते हैं, कोई लोग खाते हैं, कोई लोग नहीं खाते हैं, तो सब अपने अपना श्रद्धा के अनुसार करते हैं। तो हम लोग फास्ट में साबूदाने वगैरह सब खाते हैं, सब मीन्स साबूदाने, आलू एंड शिंगदाना। एंड गाइज, मुझे आपसे ना सावन के बारे में भी शेयर करना था। मैंने आपसे कहा था ना कि हर जगह सावन अलग अलग आता है, तो कहाँ और मतलब कब आता है वो शेयर करना था। सो गाइज, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, बिहार एंड झारखंड में 26 जुलाई से 22 अगस्त तक सावन रहेगा। एंड आंध्र प्रदेश, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका एंड तमिलनाडु में 9 अगस्त से 7 सितंबर तक सावन रहेगा। एंड गाइज, अब मेरे चैनल पर डेली व्लॉग्स, वीडियोस रहेंगे एंड मैं अब गाइज प्रॉपर एक्टिव रहने वाली हूँ यूट्यूब पर भी एंड इंस्टाग्राम पे भी। अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, सो यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइज क्या कर रहे हो, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। सो गाइज, मैंने फरियाल खा लिया है अपना, मेरा फरियाल फिनिश हो चुका है, अब मैं थोड़ी देर टीवी देखूँगी। सो देखते टीवी में कुछ ना कुछ। एंड गाइस, मुझे मूवी देखना बहुत पसंद है,
ऐसे मुझे कार्टून देखना भी बहुत पसंद है एंड कार्टून में मेरा फेवरेट है सिंचन एंड डोरेमोन. आपका क्या क्या है कमेंट करके जल्दी से बताना. सो या अभी थोड़ी देर टीवी देखते हैं एंड उसके बाद क्या करते हैं देखते हैं. वैसे कुछ करने के लिए तो है भी नहीं. सो गाइज नाउ इज डिनर टाइम. मैं जा रही हूँ अपना फास्ट खोलने. आज बनाया है स्पेशली दाल बाटी जो कि हमारे यहाँ का फेमस खाना है. मेरी बाटी एंड दाल एंड चटनी. आई होप गाइज आपको ये वाला व्लॉग पसंद आया हो. अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करना. सो या गाइज मैं अपना फास्ट खोल लेती हूँ अभी अच्छे से.